हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। यार तो नया एक सूट अभी आने वाला है, आया नहीं है अभी से, जाकर गेम ओपन मत कर लेना क्योंकि अभी प्रॉपर आई नहीं है। मतलब अगर तुम BGMI में देखोगे तो BGMI में अभी तक कोई भी एक सूट नहीं आई है। अगर तुम पबजी मोबाइल खोलोगे तो पबजी मोबाइल में ऑलरेडी जो तुम्हें तीन जो पहले दिखाई गई है वो वापस आई है और चौथे अभी अनरिवील है। मतलब अभी रिवील नहीं हुआ है कौन सा एक सूट है, लेकिन तुम्हारा भाई अपने चैनल पर दिखा रहा है कि कौन सा एक सूट आने वाला है और किस तरह का आने वाला है। और सच बताऊँ तो पर्सनली मेरे को ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। लेकिन अगर इसके इमोट्स की बात करें या फिर ग्लाइडिंग व्लाइडिंग, ये सारा चीज़ बहुत ही बेस्ट है। मतलब इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है, बट ड्रेस यार मतलब उतनी जमी नहीं। लेवल वन पर तुम देख सकते हो कैसी ये है। मतलब कुछ तो, मतलब थोड़ा सा तो डेजिगल डेजिगल होना चाहिए या फिर कुछ तो एक अमेजिंग सा ड्रेस होना चाहिए, बट क्या ही कर सकते हैं। मतलब हर बार तो मतलब अच्छी अच्छी ड्रेस एक जैसी तो नहीं दी जा सकती है। बट ठीक है, थोड़ा अच्छा देना चाहिए था, बट लेवल वन पे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है। अगर तुम लोग को लगता है कि हाँ इससे और बेस्ट हो सकता था तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। और लेवल टू पर तुम देख सकते हो कि बस थोड़ा सा जो नीचे का घास है इसके फ्रॉक का, इसके ड्रेस का, वो बस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, इसमें लेवल टू हो गई। और अगर हम लेवल थ्री की बात करें तो यार लेवल थ्री में भी जस्ट वैसा ही हुआ है, बस थोड़ा सा और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और घास लंबा कर दिया गया है। मतलब क्या ही है यार, एक सूट है, थोड़ा तो जलवा होना चाहिए, थोड़ा तो मतलब मोशन होना चाहिए। मतलब एक सूट जैसा लग नहीं रहा है। और अगर मैं लेवल फोर की बात करूँ तो लेवल फोर पर तुम्हें भी पता है सारे एक सूट का एक मतलब किल फीड मैसेज होता है, जो अगर तुम लोगों ने लेवल फोर तक कर लिया तो कोई गन का स्किन हो या ना हो, बट ये किल फीड जो होता है वो सबको मिलता है, सारे गन पे अप्लीकेबल होता है वो इमोट हो या ना। और तुम लोग यहाँ पे एंट्री इमोट देख सकते हो, जैसे मतलब हम लॉबी में किसी टीममेट के साथ मतलब आते हैं तो कुछ एंट्री इमोट इस तरह का तुम्हें देखने को मिलेगा। और इसके साथ में तुम लोगों को एक्सक्लूसिव इमोट भी देखने को मिल जाता है, जो कि तुम्हारे इन्वेंट्री में हमेशा के लिए स्टोर रहेगा, जब तुम चाहो तब यूज कर सकते हो। बट यार ये इमोट देख के ना मुझे एक कैरेक्टर की याद आ रही है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में, योंडू की। अगर जिसने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी देखा होगा उसे पता होगा यार योंडू कौन है। उसके पास भी ये पावर होती है कि मतलब एक पाइप से वो मतलब सारे एनिमीज को मार देता है, कुछ उसी तरह का एक्सक्लूसिव इमोट इसमें है। और ये है फाइनल फॉर्म यानी कि लेवल 7 एक सूट का। मतलब लेवल 1, लेवल 3 और लेवल 7, मुझे बताओ मतलब क्या ही फ़र्क है तीनों में। बस थोड़ा थोड़ा सा घास बढ़ा दिया गया है, जो नीचे फ्रॉक पे लटका हुआ जो घास है वो बढ़ा दिया गया है, वो बस हो गया लेवल 7। मतलब ये वाला एक सूट कुछ ज़्यादा खास नहीं है यार। बस बाकी तुम लोग देख लो, अगर तुम लोग को कैसा लगा तुम लोग कमेंट में बताओ, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। और बाकी तुम नेम टैग देख सकते हो, नेम टैग जो मान लो प्लेन पे जाते हो तो नेम टैग आती है कि हाँ तुम्हारे पास एक सूट है, ये है, वो है, लेकिन काहे का एक सूट भाई। ये वाला एक सूट तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। सो अब हम बात कर लेते हैं यार कि एक सूट में कैसी कैसी इमोट्स आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक इमोट्स नहीं बल्कि बहुत सारे इमोट्स आने वाले हैं, क्योंकि इसके साथ में तीन एक सूट और आ रही है जो पुरानी वाली थी। तो एंट्री इमोट जो तुम देख सकते हो, एंट्री इमोट तो तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन भाई ये इमोट देखो, ये इमोट इतनी मस्त है ना, भले ही मतलब ड्रेस अच्छी ना हो बट ये इमोट मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी यार। मतलब एक मतलब क्या ही मैं बोलूँ, वर्ड ही नहीं है मेरे को इस बारे में, इस इमोट के बारे में कोई वर्ड ही नहीं है। और दूसरा इमोट ये देख सकते हो, जो योंडू की शक्ति मैंने जिस तरह से बताई थी उस तरह का इमोट है, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं है बट ठीक ठाक है। तो इस एक सूट में आई थिंक दो ही इमोट है, और ये ग्लाइडर है, ग्लाइडर देख सकते हो, जब प्लेन से जंप करते हैं तो हमें ये ग्लाइडर देखने को मिलेगा। और तीन एक सूट ये वाली तुम्हें पता है कि तीनों पोसाइडियन, और ये दोनों का नाम मुझे नहीं पता, बट ये तीन एक सूट आने वाली है। तो मुझे लगता है यार कि इससे मतलब ये जो नया एक सूट आने वाला है इससे बेटर यही होगा कि अगर पैसे लगाने ही हैं तो पुराने वाले एक सूट पे लगाओ। मतलब जिसके पास ऑलरेडी एक सूट है उसे और अपग्रेड कर लो, नया वाला मत निकालो। मतलब
बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरे सजेशन से नया वाला मत निकालो, वही पैसे से मतलब पिछला वाला जो तुम्हारा एक सूट है उसे अपग्रेड कर लो। अब इस पूरे एक सूट के मतलब सबसे मेन पार्ट रह गया है जो कि है अपग्रेडेबल स्किन AS-32 की। मुझे पता है कि वो गन कोई ज़्यादा यूज नहीं करता क्योंकि उसका रिकॉल यार मतलब तुम्हें पता ही है, अगर तुम लोगों ने यूज़ किया होगा गन तो उसका रिकॉल पता है कैसा है। तो AS-32 कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट स्किन के मामले में यार इतनी मस्त अपग्रेडेबल स्किन है ना, मतलब एक सूट में पहली बार ऐसी स्किन आ रही है जो अपग्रेडेबल हो। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये गन कैसी दिखने वाली है। Level 4 पे किलफीड देख लो, किलफीड में कुछ ऐसा इल्यूमिनेशन ब्रॉडकास्ट आने वाला है, हीट इफेक्ट भी है, हीट इफेक्ट ज़्यादा बेटर है मतलब अच्छा है। और अगर तुम एक सूट लेते हो तो ये वाला अनलॉक होगा, अगर एक सूट नहीं लेते हो तो ये Level 5 वाली अनलॉक नहीं होगी। अगर Level 6 की बात करें तो Level 6 पे फाइनल फॉर्म देख लो, मतलब क्या ही ओपी चीज़ है यार, बहुत ही मस्त है AS-32। मुझे पता है कोई यूज़ नहीं करता बट है तो बहुत औसम। और ये रही लूट कैरेट भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं और सूट की बात करूँ, अल्टीमेट सूट एक आने वाली है जो कि बहुत ही वो भी मस्त है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, ये बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो एक सूट का ये स्पेशल वीडियो था, तो तुम बताओ हमें कमेंट में ये एक सूट तुम्हें कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो बताओ कि हाँ अच्छा है, अगर नहीं तो आप नो कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर अच्छी नहीं लगी फिर भी लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।